स्टार प्लस के यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस यूट्यूब पेज एंड हिट द बेल आइकन। ये रिश्ता क्या कहलाता है? बताइए तो आज मेहंदी के लिए इनमें से कौन सा पहनना पसंद करेंगी आप? अच्छा, ये लहंगा पहन रही है ना, ये वाला देखो जरा। हाँ, मैं देखती हूँ। वर्षा, बताना कि ये नैतिक जी को अच्छा लगेगा। ओहो, कहो तो उन्हें यहीं बुला दूँ, वही बता देंगे अपनी पसंद। हाँ, और अपने हाथों से तैयार भी कर देंगे। क्या दिव्या दीदी, आप भी। और तू हंसना बंद कर, वरना अभी क्या अभी दादू को बुलाती हूँ। हाँ हाँ, बुला दे, मैंने सब रोका है। अरे वैसे भी आज तो आपके दूल्हा आने वाले ही है ना, तभी तो सजने संवरने का मजा है। एक मिनट, इसके ऊपर ये वाला कैसा रहेगा? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं। हाँ, ये वाला देखो। हाँ, ये अच्छा लग रहा है, परफेक्ट। हाँ, ये तो नैतिक जी को भी बहुत पसंद आएगा। दुल्हन वही जो किया मन भाए। कहते हैं कि जिसके हाथ में मेहंदी अच्छी चढ़ती है, उसकी सास और उसके ससुराल वाले उससे बहुत प्यार करते हैं। ये मेहंदी की रस्म कितनी खूबसूरत है ना? जाने किस जमाने से औरतें शादी में मेहंदी लगाती आ रही हैं। लगाकर ऐसा क्यों लगता है जैसे किसी का रंग चढ़ गया हो, जैसे किसी के नाम से रची है। वैसे अच्छा रंग चढ़ने के लिए प्यार के अलावा और भी नुस्खे आजमाए जा सकते हैं। हाँ? जैसे मेहंदी सूखने के बाद नींबू और शक्कर का घोल लगाओ। हाँ, अच्छा। और मेहंदी सूखने के बाद उसे छुड़ाने के लिए तेल का इस्तेमाल करो। 12 घंटे तक पानी बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए, साबुन तो बिल्कुल नहीं। फिर देखो कैसा रंग चढ़ता है मेहंदी का। दीदी, मैं अभी अक्षा के लिए शक्कर का घोल बना के लेके आती हूँ। कहाँ उड़ती फिर रही हो? हटी ना, कोई देख लेगा। सुनो, मेरी जिंदगी में भी थोड़ी चीनी खोल दो ना, कम पड़ गई है। पिलाऊं नानी को? ऐसी घोल के पिलाएंगी ना, याद रखोगे। वर्षा, तुम मुझे बहुत तंग करती हो ना, तुम्हारे पास दो पल का चैन नहीं कि मेरे पास अगर बैठ सको? चैन तो आपके पास भी नहीं है। अच्छा, देखो चुरा तो रहा हूं। अरे सब कहाँ चले गए? ओहो, कहाँ गए? कोई पानी भी नहीं पूछता मुझको। अरे ए छोरी, कोई था यहाँ पे? नहीं। तो फिर ये गिरा कैसे? पता नहीं नानी माँ, पानी दूँ आपको? नहीं रहने दे, मैं नहीं लेती। ये तो बता, तू कर क्या रही है? ओ, शक्कर पानी का घोल मेहंदी के लिए बना रही थी। अरे सब लोग है कहाँ? कोई मेहंदी की तैयारी भी कर रहा है कि नहीं? नानी माँ, सब छत पे हैं। बच गया, नानी का तो कुछ करना पड़ेगा। कोई बात नहीं नानी, आप 20 तो मैं 21, नाती किसका हूँ? बोला बोला। पता नहीं कहाँ चले गए सब लोग। हाँ, नहीं तो क्या। ये देखो जरा, इस घर में हम सबकी नाक के नीचे बोला अपनी बीवी का हाथ पकड़ता है। बेशर्मी की कोई हद होती है बोला, ये सब अच्छा लगता है क्या? हाँ, क्या हुआ क्या? अरे नानी आप, हुआ क्या?
क्यों चिल्ला रहा है इतनी जोर जोर से? अरे नानी, आज तो इस निर्लज ने हद ही कर दी। हाँ? बताओ, इतने सारे मेहमानों के बीच में अपनी बीवी के साथ बैठा था। हाय राम। हाँ, और तो और उससे बातें कर रहा था नानी। हाँ? ये सब तो ठीक है, लेकिन उसका हाथ पकड़ लिया। और कलयुग है नानी, और कलयुग है, बिल्कुल ठीक कहती थी। लेकिन इसकी बीवी है किधर? अब नानी वो बेचारी कहाँ मुंह दिखाएगी? घर में इतने सारे लोग हैं भला, सब क्या सोचेंगे? ये सब अच्छा लगता है भला? हाँ हाँ भोला, तुमने इस घर की मान मर्यादा का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा। हाँ चलो, नानी से माफी मांगो। और कलयुग है नानी, आप ही बताइए, ये सब अच्छा लगता है क्या? हाँ या क्या उसने? नानी इसने, वर्षा एक मिनट, आप ही बताता हूँ, आइए लाओ मुझे। तो इसको मैं रख देता हूँ यहाँ पर। हाँ अब ठीक है। हाँ नानी, अब देखिए, ये वर्षा है, ये मेरी बीवी है। हाँ आपकी बहू है। हाथ पकड़ ली, चलो हाथ पकड़ा तो ठीक है, अगर मैं ऐसे इसके गले लगा लूं तो ये तो ठीक नहीं है ना, ये तो गलत है। चलो गले भी लगाया, लेकिन बिल्कुल गलत है ना, सही नहीं है ना, और वो भी सबके सामने। हाँ अपनी बीवी के साथ। बस यही समझा रहा था भोला को, मैंने ठीक किया ना, कुछ गलत तो नहीं समझाया ना? नहीं। घोर कलयुग है नानी, क्या क्या होता है। सोया कहे तो ठीक है। अरे नाना करके सब कर गया, मने लागे मने बुद्धू बना गया। अरे जितनी भोली दिखू ना मैं सबको, उतनी भोली ना हूँ। ए सौर्या, सौर्या रुक जा, अभी बताती तुमने, रुक जा। तेरी शौर्य दादू भी क्या क्या कर जाते हैं। वाह वर्षा, क्या नहले पे दहला मारा है दादू ने, नानी माँ का चेहरा देखना चाहिए था। कुछ भी कहो, दादू है बहुत क्यूट, तुझसे कितना प्यार करते हैं ना। पता नहीं नैतिक जी उन्हें करिश्मा आता है या नहीं। कैसे चुटकियों में बात संभाल ली ना। ये लीजिए, चार है, एक दो तीन चार, हाँ चार बहुत है, हाँ नहीं दो और। अरे नानी, अरे जितनी बोली दिखो ना सबको, उतनी बोली ना हुआ। मारे आंख में धूल झोंक कर आ गया तू। नानी माँ, मैं तो आपका भुला सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ, आपकी गोद में खेल के तो इतना बड़ा हूँ मैं आपकी आंख में धूल। अरे जानू जानू राज दुला रेखो, ये उसी का काम है। किसका नानी माँ? मारा छोरा तो बहुत सीधा हुआ करता था, ये तो तारी छोरी ने उसे सिखाया पढ़ाया। आपकी क्या? चुप। अरे ऐसे घर में आ गई है जहाँ सब लोग अपनी बेटी की तरह मानते हैं उसको, बोल। अरे चार बातें मुझसे बुलवाई लेते हो तुम लोग। हाँ निको, क्या कुछ भी बोलती है। माँ आप नानी की बातों का बिल्कुल बुरा मत मानिए। हाँ उनकी बातें बस अपनी ही तरह की होती हैं, और वैसे भी वर्षा के साथ मैं हूं ना। ऐसे दिन में दो तीन लोग उनके निशाने पे लग ही जाते। क्या हुआ, कोई बात हुई क्या? वो माँ कुछ बोलते हुए जा रही थी। देखा, सबसे ज्यादा निशाने पर तो इनकी खुद की अपनी बेटी रहती है। जी माँ, मैं कुछ समझी नहीं। कुछ नहीं बड़ी बहू, खैर छोड़ो, चलकर सारी तैयारियां देख लो।
अरे मेहंदी का समय होने वाला है, शौर्य शौर्य बेटा जा जाकर बाहर जाकर देख सारी तैयारियां हो गई ना लड़के वालों के स्वागत के लिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए बेटा। जी जा। समय से पहुंचना चाहिए। जी भाभी माँ। मामी जी आपकी साड़ी इतनी सुंदर है। अरे रश्मि नंदिनी लीजिए आ गई हमारी राजकुमारी, तेरा सूट बहुत प्यारा लग रहा है बेटा। सिर्फ सूट? आज तो तेरा रूप आंखों में नहीं समा रहा, कहीं तुझे मेरी नजर ना लग जाए। रश्मि कहाँ है? आप तो जानती है ना उसे तैयार होने में कितना वक्त लगता है, अभी तक तैयारी हो रही है। इतनी अच्छी लग रही है, हो सकता है कोई मेरी नंदिनी को वहाँ पसंद। इसका सूट सबको बहुत पसंद आएगा। चलिए मैं भी तैयार हूँ। अरे बबलू क्या हुआ, चोट आई? वो कह रहा है कि सर में दर्द है इसलिए साथ में चल नहीं पाएगा। ये क्या बात है, सर दर्द है ना, मैं अभी दवाई लाऊंगी। नहीं मौसी जी उसकी जरूरत नहीं, वो पूरा बदन दर्द कर रहा है, लगता है बुखार वाले बस। अरे तो डॉक्टर का फोन कर दो ना। उसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास दवाई है, मैं ले लूंगा, बस थोड़ा आराम करना चाहता ताकि बुखार उतर जाए, कहीं ज्यादा तबीयत खराब होगी तो शादी में नहीं आ पाऊंगा। अरे नहीं नहीं ऐसे कैसे, तू आराम कर बेटा, सच कुछ नहीं चल पाएगा हमारे साथ। मैं सर दबा देती हूँ, गुलाबो बामला मैं लगा देती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा, पहले क्यों नहीं बताया। नंदिनी बेटा नैतिक तैयार है? छोटी माँ मैंने तो नैतिक को काफी देर से नहीं देखा। मैं देख कर आती हूँ भाभी माँ। मुन्ना मुन्ना हम सब निकलने के लिए तैयार है और तू आराम से बैठा है। माँ मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, बस जल्दी से तैयार हो जा। बबलू भी चलने से इनकार कर रहा है, कह रहा है उसके सिर में बहुत दर्द है, पहले बताया होता तो हम कुछ करते भी, लेकिन अब समय बहुत कम है और तू अब तक तैयार नहीं हुआ बेटा। मुन्ना अब जल्दी से तैयार हो जा, तू जानता है ना दादा जी को तेरी बिल्कुल पसंद नहीं है। उठ बेटा अब। क्या हुआ माँ? दादाजी बुला रहे हैं। सुना बेटा दादा को तैयार करके जल्दी से नीचे ले आ। अब उठ मुन्ना, अब देर मत कर। दादा आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? चली जाए।
पधारी। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण जी। राधे राधे कृष्ण। खुश हो बेटा। जी तेरा। प्यारी लग रही है सच में। सदा सुहागनी। खुश। दादाजी आइए ना, आइए समझ। हम तो चले दूल्हे राजा से मिलने। चलो 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 चलो। नैतिक जी हमें पहचाना क्या? तो चलिए अब जाके अक्षरा का इंतजार खत्म हुआ, वरना कॉलेज में तो तेरी ओर देखा ना तो सारी सालियां मजाक उड़ा के नहीं रख देंगी। वैसे आज आप बड़े स्मार्ट लग रहे हो। वो तो है, पर हमारी अक्षरा भी कुछ कम नहीं है। आप तो देख के दंग रह जाएंगे। लेकिन वैसे मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे। मिलने का बड़ा मन कर रहा होगा। अच्छा। वो भी नानी माँ से डरते हैं। तेरी ओर देखा भी ना तो नानी पकड़ लेंगी। देख वहीं तो खड़ी है। बहुत सुंदर है ना, इसकी फोटो निकालना मत भूलना। पता है इसमें नैतिक जी के नाम का एम दिखेगा। कहाँ? यहाँ है? नहीं ये वाला नहीं, ये भी नहीं है। ये तो जादू है। नैतिक जी के एन का नाम तो मेहंदी रचने के बाद ही अपने आप दिखेगा। के मामा की बड़ी इच्छा थी कि उसके ससुराल वालों का सम्मान करके उनको तोहफा देंगे। भाई जी इन सब की क्या जरूरत है? वैसे भी ऐसी कोई रीत तो ना है ना? रीत नहीं भावना देखिए। अरे हम तो आपका सम्मान करना चाहते हैं। आखिर इकलौती बेटी अक्षरा हमारी। अरे मामा की भी तो कुछ इच्छाएं होती हैं। ये है अक्षरा की भाभी माँ के लिए गोटेदार साड़ी, जड़ाऊ गहने और सोने की पायल। और अक्षरा की सास के लिए खास जरदोजी की साड़ी, जड़ाओ गहने और हीरे की अंगूठी। और अक्षरा की प्यारी प्यारी नंदों के लिए कुछ कपड़े और असली मोतियों के सेट। अरे वाह भाई जी, बड़े महंगे महंगे तोहफे दे रही हो। मामा के प्यार में पैसों का मुंह नहीं देखा जाता हम लोगों में। हाँ जो बोला उससे तो कई ज्यादा दिया। ऐसी शादी तो ना देखी हमने। अब ये सब करने की क्या जरूरत है? और ये अक्षरा के ससुर जी के लिए कढ़ाईदार शेरवानी और सोने की ब्रेसलेट। सब गहनों और तोहफों के पीछे मुझे मामा जी का समझौता दिखता है, मुझे पूरी दिखती है उनकी। नानी जी और मेरे लिए मुझे कुछ नहीं देंगी? ये रिश्ता क्या कहलाता है?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।